दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग एक नए स्टार्टअप बिजनेस के साथ। और ये स्टार्टअप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है पहली नज़र में ही ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक पेपर प्लेट मशीन से जुड़ा हुआ कारोबार चल रहा है, जहाँ पर पेपर प्लेट और उसके उत्पाद बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने इस स्टार्टअप को शुरू किया है, बिजनेस को खोला है, उनका परिचय कराते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार है बिहार स्टोरी पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए जी। और क्या नाम बताया सर? बाबुल आपने? राज। बाबुल राज जी, वाह क्या बात है बाबुल राज जी। और आपकी बाबुल राज जी, आप तो एकदम पूरा युवा है, क्या उम्र हो रही होगी? 24 से 25 साल। 24 से 25 साल जी जी। तो अभी तो आप, मैं आपको उद्यमी के रूप में देख रहा हूँ, तो ऐसे क्या करते थे? मेरा ऐसे जॉब करते थे हम दिल्ली में। दिल्ली में जॉब करते थे? रिलायंस में। अच्छा जी। तो वहाँ जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब छोड़ दिया कि मेरा मोटिव था बिजनेस ही करना। अच्छा, तो कब जॉब छोड़ा? जनवरी में। जनवरी में जी, यानी कि इसी साल? इसी साल जनवरी में। अच्छा, जॉब छोड़ के वहाँ से आए, तो फिर कैसे, क्या सोचा होगा ना कि कौन सा बिजनेस शुरू करें? रिसर्च किया क्या क्या कम इन्वेस्टमेंट में क्या क्या किया जा सकता है जी। तो फिर पेपर प्लेट के बारे में पता चला, तो फिर विकास जी से कांटेक्ट हुआ, जो हमारे हाजीपुर में रेनको स्लीपर से जाने जाते हैं। अच्छा, फिर उनसे बातचीत मुलाकात हुआ, फिर पेपर प्लेट का मशीन मैंने उनसे। जाहिर सी बात है कि वीडियो बिहार स्टोरी की ही देखी हो। जी जी जी, बिहार स्टोरी का सिवान का एक वीडियो था, मैं वही देख के आपके वहाँ पहुँचा था भाई। अब देखिए बिहार स्टोरी के वीडियो देख के आप लोग खोलते जरूर हैं, और मुझे डर लगता है कि कहीं जो फेल हुए तो फिर उसके बाद मेरी ही कुटिया होगी, ऐसा नहीं ना? ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फेल होने, अपना मेहनत करेगा कोई तो फेल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ भाई हमारे हैं जो कि अपने स्ट्रेटजी, गलत स्ट्रेटजी के चलते फेल हो जाते हैं, और हमें भी लगता है कि हाँ ये चीज़ कर लिए होते तो सफल होते, लेकिन हर समय जाके हर चीज़ को क्लियर नहीं किया सकता। और जैसे बाबुल जी आपने बताया कि मैंने मार्केट सर्वे किया, घुमा फिरा, बहुत सारे लोग जो है ना केवल वीडियो देखते हैं, और वहाँ जो बता दिया जाता है कि भैया एक मशीन से 1000 कमाओ, तो सीधे कुछ नहीं सोचे वो मशीन जाके ले लिए और लगा दिए और चला नहीं। यूट्यूब पर आता है नोटों छापने के मशीन वगैरह, वो सब देखे नहीं। मैं मार्केट रिसर्च किया पहले, तब विकास जी से मिला। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, नोट छापो, नोटों की धार बहाओ, लोगों को लगता है ना कि भैया बस मशीन खरीद के हम लाएंगे, फिर उसके बाद जो पैसों की नदियां बहनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर मिलके। और बता दूं कि बाबुल जी के यहाँ जो आया हूँ, इनका रेफरेंस मुझे रेनको इंडस्ट्री से मिला, विकास जी ने दिया, क्योंकि मैं हमेशा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी मशीन सेलर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए मशीन बेचना तो एक काम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मशीन ले जाते हैं और जो कारोबार शुरू करते हैं, किन परिस्थितियों में कारोबार शुरू करते हैं और कैसे करते हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी है, और वो काम हम धंधा पानी के जरिए जो है लाने की कोशिश करते हैं, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है। और ये देखिए यहाँ पर एक नया स्टार्टअप है, ये कितने दिन पहले शुरू हुआ? ये लगभग लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? अच्छा, तो जब आपने ये मन बना लिया कि मुझे शुरू करना है, तो सबसे पहले काम क्या किया? पहले सबसे पहले तो मैं विकास जी से जाके मिला, मशीन के बारे में समझा क्या मशीन है, क्या कॉस्टिंग पड़ेगा मशीन वगैरह का। उसके बाद फिर यहाँ पे शेड वगैरह का काम स्टार्ट करवाया था, सारी चीज़ें मशीन। पहले शेड बनवाया कि पहले मशीन ली? पहले मशीन के बारे में समझा। अच्छा। फिर शेड में हाथ लगवाया कि हाँ ये काम मशीन मिलेगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कैसा सपोर्ट रहता है, ये मैंने उनसे समझा। उसके बाद फिर शेड में हाथ लगवाया। शेड जो बनाया सर, इसमें कितना खर्च हो गया? मोटा मोटी आप मान लीजिए 1.5 लाख के आसपास मिलेगा। 1.5 लाख रुपया? जी जी। इसमें क्या अपना ही व्यक्तिगत पैसा लगा या फिर लोन वगैरह भी लिया? नहीं, अपना ही पैसा लगा। अपना ही पैसा लगा जी जी। 1.5 लाख। हालांकि आप इस काम को छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख में डर नहीं लगा कि कहीं फेल हो गया तो? नहीं, काम देखिए इसको बढ़ाना था, इसका मैंने देखा कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है पेपर प्लेट का। आजकल हर एक पार्टी में पेपर प्लेट ही चल रहा है, बफे प्लेट ही चल रहा है। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जब मैं सेट बढ़िया से बनवा लूंगा, तो फिर मशीन भी बढ़ा लूंगा फिर बाद में। सही बात। इसीलिए मेरा फ्यूचर देखते मैं ये काम किया था। तेजी से बढ़ता हुआ रोजगार है, क्योंकि हर जगह खुल भी रहा है, प्रतियोगिता भी हो रहा है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो प्रतियोगिता से बाहर हैं। अच्छी अगर आपकी रणनीति है, बढ़िया अगर मैनेजमेंट है, अच्छा प्रोडक्शन को मार्केट में सेलिंग के थ्रू अगर आप अच्छा मार्केट को समझ के और बढ़िया से सेल करेंगे पकड़ के, तो शायद आप बहुत बेहतर करेंगे। तो मशीन आपने डिसाइड कर ली, और यहाँ पे 2 मशीनें चल रही हैं? जी जी जी, एक हाइड्रोलिक, एक क्रैंक चल रही है। जी, हाइड्रोलिक वाली और क्रैंक वाली दोनों एक साथ लिए? हाँ, दोनों एक साथ लिए, यहीं से लिए विकास जी के। क्रैंक में आपने डबल ब्लॉक लिया? हाँ, डबल ब्लॉक बैरिंग। अच्छा, डबल ब्लॉक बैरिंग में लिया। आइए सर यहाँ पे आइए, और यहाँ देखिए विकास जी भी विजिट में आए हैं लगता है। हाँ। यहाँ पे सर्विस देने आए हैं? जी जी जी, विकास जी हमेशा आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत हो फोन करें विकास जी खुद आते हैं। शुरुआती दौर में किस तरह का प्रॉब्लम हुआ सर आपको? शुरुआती दौर पे मशीनरी चीजें आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कहीं नट ढीला हो गया तो प्रॉब्लम होता था, नहीं जानकारी होता था तो। अच्छा।
अच्छा, इसीलिए वही हल्का फुल्का दिक्कत था। इनको से हेल्प मिला? हाँ हाँ, पूरा हेल्प मिला। विकास जी खुद आते थे, विजिट करते थे यहाँ। हालांकि विकास जी का मैंने ये खूबी देखा है कि वो पर्सनली जा जा करके भी वहाँ सपोर्ट करते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया बात है कि जब आप किसी मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं, किसी भी मशीन निर्माता या मशीन विक्रेता से जुड़ते हैं, तो सबसे जरूरी चीज़ होती है कि शुरुआती दौर में जब आपको कुछ मालूम नहीं होता है, उस वक्त वो उनका रहना बड़ा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि स्टार्टअप खुलने से पहले ही जो है मुरझा जाती है, खिलेगी बाद में क्या खिलेगी, पहले ही मुरझा जाता है, मनोबल डाउन हो जाता है। तो चलिए, इसके लिए विकास जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। विकास जी नमस्कार, आइए जरा, आइए स्क्रीन पर, आइए स्क्रीन पर आइए, बाद में उसको देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे दोनों से कितना कितना प्रोडक्शन हो जा रहा है? अभी एक में लगता है कि छोटी आइटम्स बनाते हैं और एक में बड़ी आइटम। हाँ हाँ हाँ, एक दिन में एक रोल काट देते हैं, मतलब 30-35 किलो का। इसमें एक रोल आराम से कट जाता है, 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक चलाता हूँ। उसमें जो आप काट रहे हैं बफे खाली बनता है? हाँ, बफे कटता है। कितना एक दिन में? 2500 पीस। 2500 पीस। हाँ, अभी मार्केट वगैरह में क्या पोजीशन है? अभी सेल्स आपकी हो रही? मैं ठीक से अभी घुमा भी नहीं हूँ मार्केट अभी, ठीक से अभी ऐसे ही मतलब लिंक से जो चल रहा है ठीक ठाक अभी सेल हो रहा है। अच्छा, रॉ मटेरियल मैंने देखा, ये चीजें मैंने नोटिस की कि यहाँ पे रॉ मटेरियल आपने खूब अच्छा खासा ला के रख दिया है। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग गया? उस समय आपको 2 लाख के आसपास में इन्वेस्टमेंट था रॉ मटेरियल। 2 लाख का? हाँ जी। और तकरीबन मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट लगा? मशीन में 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए, यानी कि 3.5 लाख रुपए से और 1.5 लाख ये शेड, 5 लाख रुपए की लागत से आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया सर, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है जी। अभी जो हम लोग आए हाजीपुर हस्तारगंज में बाबुल जी के, तो ये तो हमारे लफसम अपने ऑफिस से 4 किलोमीटर दूर में है। तो इनको जब बहुत सारा दिल्ली गए, जहाँ भी गए, लेकिन मेन सर्विस रीजन से ये हमारे पास आए और ये हमको बोल दिए कि हम घूमेंगे सब जगह और जब सामान परचेजिंग का बात होगा तो आपके छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और हमने दिया और जो जिन्होंने जो विश्वास किया था हमारे सर्विस के ऊपर, हमारे सपोर्ट के ऊपर, हमने उनके साथ खड़े उतरे हैं। और बाकी तो आप इनसे बात किए हैं, देखिए उसमें क्या है। देखिए, व्यापार जो होता है ना, अभी जो नए लोग जो जुड़ रहे हैं उसे बहुत सारा लोग होता है कि उनका जो बजट जो होता है, कहीं किसी का लोन होता है, किसी का पर्सनली कर्ज होता है, किसी का होता है, कोई सेविंग करके आता है छोटे लोग के लिए, ठीक है। और उनके साथ अगर गड़बड़ हो जाए, कोई मशीन में या पार्ट्स में सर्विस ना मिले तो होता क्या है कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। उस समय लोग से क्या होता है कि लोग को लगा कि हमने यहाँ से सामान किए, परचेज किए, हमको ठगा गया, ठीक है। तो जो भी लोग या यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से, किसी अनोन कंपनी से जो जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि पहले किसी को जाँच परख करके ही उनसे आप काम कीजिए। अन्यथा ऐसा नहीं कि जो लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हर फ्रॉड है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि अगर हम 400 लोग से बेच रहे हैं, अगर एक सीजन 1000 लोग से काम कर रहे हैं तो सब लोग हमसे संतुष्ट हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 99% को कम से कम खुश करके रखें। बाकी इन्हीं से एक सवाल पूछेंगे कि आप बहुत जगह गए सर, बहुत जगह घूमे फिरे, फिर इनके पास आए और जो आपने बात बोली, ये ट्रस्ट मेकिंग कैसे होता है? मतलब क्या वो बात होती है जो आपको छू जाती है, जो आपको लगता है कि नहीं भाई अब मेरा विश्वास यहाँ जम गया, वो क्या लगा आपको? सबसे पहला बात तो ये लोकल है हमारे हाजीपुर के ही। अच्छा। बगल के पासवान चौक में, जो 3-4 किलोमीटर है यहाँ। तो दूसरा बात है, हमारा बात विचार होता है, एक व्यवहार होता है जो मिलने से पता चल जाता है कि ये कैसे इंसान के साथ बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इनका था बात विचार बहुत अच्छा था, तो इसलिए हम इनके साथ बिजनेस किए। ये सबसे जरूरी चीज है कि वैसा इंसान जिसके साथ बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मेरा मेन थिंकिंग क्या होता है, जो भी लोग बाय रेफरेंस या बाय ऑनलाइन माध्यम से, इंडिया मार्ट बहुत सारा साइट है अपना, उस माध्यम से आते हैं, तो मैं उनको एक बार अपने सेल्स टीम से या खुद से, अगर सेल्स टीम से अगर गाइडलाइन या नहीं समझ पाते हैं, मैं उनको खुद फॉलोअप करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मशीन आप मेरे से मत लीजिएगा, लेकिन कम से कम एक बार आके मेरे यहां देख लीजिए। अच्छा विकास जी, आपसे एक सवाल है कि ये तो चलिए वाकई ये दिल्ली में जॉब करते थे, इज ए स्मार्ट गाय और ये समझते हैं कि बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या पहले ज़रूरी होता है, तो मार्केट वगैरह देखा, सारा रेट वगैरह पता किया, फिर उसके बाद सेटअप किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेमैन होते हैं, गांव देहात से लोग, देखिए बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जी, जी। तो एज अ आप मैन्युफैक्चरर जो मशीनें आप बनाते हैं और बेचते हैं, उनको आप मार्केट से कैसे जोड़ते हैं? देखिए होता क्या है कि मार्केट से अपने साइड पे पेपर का भी ऑर्डर आता है। अगर नियर बाय अगर आपके मार्केट से 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 25 किलोमीटर तक ऑर्डर है तो आपको हम दे देंगे, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए ना। उनसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि आपसे पेपर बेचेंगे तो हमको 10 पैसा चाहिए, नहीं चाहिए हमको सिर्फ आपसे मशीन और पार्ट्स का उम्मीद है कि जो हम बनाते हैं और बेचते हैं,
ठीक है। और जहाँ तक हमसे हो पाएगा पेपर, आपको पेपर के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, हम 99% कोशिश करेंगे कि आपको मेरे यहाँ से मिल जाए। अगर होता क्या कि सब लोग सबको संतुष्ट नहीं कर पाता है, कहीं भी आप बोल, जो लोग कम में बेचना हमको बोल दें, कहीं 52 रुपये मिल रहा है, कहीं 55 रुपये के जी मिल रहा है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का भाव उतार चढ़ाव होते रहता है। लेकिन मैं जब मार्केट में कहीं विजिट कर लीजिए रॉ मटेरियल के लिए, और पूरे बिहार से सस्ता रॉ मटेरियल हम आपको देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, रॉ मटेरियल तो सर काफ़ी आपने यहाँ पे डाल रखा है, अपने जो स्टार्टअप है उस रेशियो से इन्होंने भरपूर उसका इस्तेमाल कर लिया। और भी ज़्यादा था जो बन के निकल गया। अच्छा, और भी निकल भी गया। अच्छा सर, ये बता दें कि ये जो आपने फैक्ट्री खोली है, ये कितने बाई कितने की खोली है? ये आपको 40 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है। 20 फीट चौड़ा है। हाँ। अच्छा, जब खोली होगी, दो अभी चला रहे हैं, तो जो बिजली का लाइन लिया वो कैसा लाइन लिया? इंडस्ट्रियल के लिए कैसे अप्लाई किया आपने? अप्लाई मैंने ऑनलाइन किया था, बिजली विभाग का जो पोर्टल आता है उससे ऑनलाइन किया था। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह हुआ यहाँ पे आके, उसके बाद फिर जाके वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है बिजली विभाग में। होता क्या है कि लोग बिजली NDS LTS कॉमर्शियल से लोग भागते हैं, जैसे ही उनको आप बोल दीजिएगा कि 3 फेज कनेक्शन लेना है, उनको लगेगा कि पहाड़ टूट गया। लेकिन आप 3 फेज कनेक्शन में जाइएगा, आपका LTS कनेक्शन में 3 फेज हो तो बिजली बिल आपका कम आएगा। और ये NDS कमर्शियल, एक इंडिविजुअल होता है जो घर के लिए होता है, एक NDS होता है, NDS में भी कमर्शियल हुआ, लेकिन NDS में आपका बिल ज़्यादा आएगा, और LTS हो गया प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए, और वो लगाएगा तो आपका बिल कम आएगा। लेकिन लोग तो भागते हैं, जैसे कमर्शियल का नाम सुनेगा वो लगेगा कि आपको क्या बोलते हैं, 6 रुपये 20 पैसा बोल रहे, ठीक ही बोल रहे, सस्ता है। लेकिन लोग 8 रुपये तो घर में मैं देता हूँ। ये आपको डोमेस्टिक से कम है और कमर्शियल से थोड़ा सा ज्यादा है, ये आता मतलब जानकारी के अभाव में। अब लोग बहुत सारे आपके साइट पे बहुत सारा कमेंट आते होंगे, बिजनेस फेल है, ये बहुत सारा अगर वगैरह, बहुत बहुत लोग। अब किसी को बोल दीजिए आप कि 10, आप ये मेरे पास बहुत दिन है कि एक स्टाफ दे दीजिए। हमने बहुत अपने हाथ से कोशिश किया कि लड़का इनको देते हैं, तो वो बोले यार हमको 5000 में क्या होगा, 10000 में। भैया अगर आप नहीं करोगे तो 5000 कहाँ, कल की बात है, कल हमारे जो मेरे कजन थे उनके साथ रोड हादसा में गाड़ी छीन लिया, तो वो तो वैसे ही होंगे ना, जो उनके 5000 से कुछ नहीं होना है, तो वैसे ही होंगे जिनके पास। अगर वो मेहनत करते तो 5 का ही 50 बनता, छीन छान के काम चल रहा है, कर रहा है, तो वो बोलेंगे 5000 से हमको क्या। अरे भैया तो आप किसी क्या फ्री मतलब फ्री में तो ही ना आता है, तो फिर तो आप वही होगा कि 50000 वाले सामान को आप 5000 में बदल दो, यही होगा फिर। स्टाफ कैसे खोजा आपने? स्टाफ यहीं पे अपने लोकल, जिनको जरूरत थी कामों के। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, उसमें कोई परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं चाह रहा था टेक्नीशियन का जो जिसको नॉलेज हो थोड़ा सा, उसके लिए से विकास जी को बोला था, लेकिन नहीं हो पाया तो खुद मैं सीख रहा हूँ। मशीन बहुत अच्छा स्मूथ चल रही है, मैंने देखा दोनों एम्प्लॉय जो हैं अपने अपने पोजीशन पे सेट हैं और लगातार जो है वो प्रोडक्शन दे रही है, और यहाँ से वो लोग छांटने का काम कर रहे हैं, फिर पैकेजिंग करेंगे। ये जो डबल ब्लॉक वाली क्रैंक मशीन, इसकी थोड़ा सा स्पेशलिटीज आप बताएं, क्योंकि बनाई आपने। होता क्या है कि मशीन तो आप सिंगल भी चलेगा, लेकिन डबल ब्लॉक से क्या होता है, जैसे मान चले कि अब इसमें क्या है कि यहाँ पे डबल सपोर्ट है, बाय द वे अगर एक बैरिंग आपका क्रैक कर जाता है तो एक सिंगल सपोर्ट यहाँ रहेगा, तो काम आपका बंद नहीं होगा, और एक एक सिंगल ब्लॉक रहेगा, सिंगल ब्लॉक अगर एक बैरिंग टूट गया तो फिर आपका टेक्नीशियन चाहे जो सर्विस सपोर्ट का होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा कि जब वो आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन डबल ब्लॉक रहेगा उससे आपका काम रुकेगा नहीं। उसके बाद डबल ब्लॉक के बाद हेवी चैनल लगा हुआ है, 3 इंची का चैनल लगा हुआ है, कामधेनु होता है अपने पास, सेल होता है, टाटा होता है। देखिए लोहा तो चलिए कोई सा भी कंपनी लग सकता है, गेज बड़ा होना चाहिए। बहुत से लोग का कॉल आता है कि हम दिल्ली गए, गाजियाबाद गए, दिल्ली गए, गाजियाबाद गए, वहाँ पे 25000 या 30000 मिले। देखिए अगर एक अगर नेचुरल अगर आप मशीन का जो वजन होता है, वेट होता है, कम से कम 250 केजी होता है, तो कम से कम 250 केजी लोहा का भी वजन जोड़ेंगे तो 7 रुपये से मतलब 20-25000 का लोहा लग गया। उसके बाद हमने क्रम्पटन हैवल्स गोदरेज ये 3 कंपनी छोड़ के मोटर कभी यूज किया ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। चलिए ये तो हमारे नियर बाय 3 किलोमीटर घर के पास में है तो चेंज होगा, चलिए हम आ गए, हमारा स्टाफ आ गया, ये भी लेके आ गए तो हम चेंज कर देंगे, इनको होता है। लेकिन वही अगर मान चलिए आप यूपी से है, गोरखपुर से है, बहुत सारा आप कानपुर भेजना है, चाहे बलसिंह से, बिहार के किसी भी स्टेट, अगर 100 किलोमीटर बाद में अगर आप हैं तो अगर मोटर प्रॉब्लम हो गया अगर, तो हम तो आप जब मोटर दीजिएगा तभी उसके बदले में रिपेयरिंग करके या जो भी अपने पास नया हो तभी दे पाएंगे आपको। और ब्रांड में क्या होता है कि टोल फ्री नंबर होता है, आपने आपके नाम से बिलिंग होगा, टोल फ्री नंबर होगा, आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, अपना नाम डिटेल बताइए, और 24 आवर के अंदर में वो सर्विस आपको देगा। अगर चलने लायक होगा, तो उसको ठीक करके देगा, नहीं तो रिप्लेसमेंट करके देगा। बिल्कुल बिल्कुल,
बफे प्लेट मशीन के लिए आपने सेपरेट मशीन दे दी है जी, जिस पे केवल बफे प्लेट्स काटते हैं ये, वो मशीन कौन सा है क्या आप उसकी? वो हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक है। अगर बफर की बात है तो मेरा जो डबल ब्लॉक बैरिंग जो मशीन है वो भी मेरा हैवी कैपेसिटी वो भी काट देगा, लेकिन एक जो नेचुरल क्वालिटी होता है उसका डीप होता है, जो गहराई होता है, जो कि देखने में जब कुर बनेगा सुंदर जो लगता है ठीक है, तो वो सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक से नहीं हो पाता क्रैंक वाले से, क्योंकि उसका पंचिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। एक में कम से कम 20 फीट पंच मारता है तो पंच मारेगा और फेंकेगा। हाइड्रोलिक में क्या होता है, कोई टाइमर लगा तो टाइमर के हिसाब से अपने माल पंच हुआ, अगर एक सेकंड भी उस पर तो डाई हीट होता है तो एक सेकंड में आपका गहराई बनाएगा और क्वालिटी उसमें देगा। जैसे मार्केट में देगा तो लोग बोलेगा तो ऐसा कोर नहीं बन रहा है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे रेट का भी मामला बहुत सारा कभी कभी आता है कि आगे हमको इतना में दे रहे हैं आप इतना में दे रहे हैं। देखिए व्यापार अगर हम जो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमको 5 रुपया या 10 रुपया बचना चाहिए केजी के साथ, हमको 1 रुपया बचना चाहिए, लेकिन 1 रुपया वो भी बचे तो सॉलिड 1 रुपया हमको बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने व्यापार 5 रुपया का बनाया उसमें लेबर और हम सब लगे हुए हैं उसके बाद हम 1 रुपया बच रहे, नहीं, हमारा सैलरी हो पर्सनल मकान का जो रेंट है जो हमारे स्टाफ है भी लोग वो काट के अगर 10 पैसा ही हमको बचा है तो हमको 10 पैसा से मतलब है। लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं वो समझते हैं कि 20 रुपये किलो बच जाए 25 रुपये किलो बच जाए, उनको कहीं गए उनको समझा दिए कि 40 रुपये का रॉ मटेरियल होगा। बचने पे बात हो रहा है सर, अभी कितना कमाई हो जा रही है एक दिन में, आप क्या कमाई हो रही है? मतलब कि आप मान लीजिए कि मोटा मोटी दिन का कमाई 700-800, अभी ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि लगन भी डाउन हो चुका है और मैं मार्केट में भी नहीं घूमा थोड़ा सा। अब की लगन में आप पकड़िएगा कस, अब मार्केट घूमना है, शुरुआत करते करते आपका लगन छूट गया। अभी मैं एक भी शॉप पे नहीं गया हूँ विजिट करने, ऐसे ही जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन उम्मीद है सर कि 1500 रुपए कमाई में इनका कोई दाग नहीं, दाग नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो लगन खत्म हो गया, देखिए तो होता क्या है कि अब किसी को बोल दीजिएगा कि जब लगन खत्म होगा तो शराध भी तो चालू हो गया है ठीक है, छठी भी चालू हो गया है क्योंकि पेपर प्लॉट का जो सर काम है ना वो बंद नहीं होना है। नहीं, कोविड जो आया बहुत कुछ सिखा के गया है सर, बर्थडे पार्टीज हो रही है छोटी छोटी ना, तो उसमें भी लोग सर कमर्शियली हो गया। अगर आप अपने घर में नॉन वेज यूज कर रहे हैं तो घर की जो हमारी मिलाया जो बहन माता है वो क्या करते हैं, वो आपको थाली नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि पेपर प्लेट का यूज कीजिए। शहरों में ये हाल है कि घर में अगर बीमार हो जाते हैं लोग ना तो कहते छोड़ो डिस्पोजेबल वाला मंगा लो, दाई नहीं आएगी और अगर है नहीं धोने के लिए आपको दही उसको फेंक देंगे। तो वहां भी तो आप बताइए कि जो लोग बोल रहा है कि अब लगन खत्म हो गया अब चालू नहीं है मार्केट डाउन हो गया तो अब क्या, भैया तो घर में यूज हो रहा है, स्टॉक भी तो बनानी है आपको, स्टॉक करना नवंबर दिसंबर वाले। मतलब आप जब लोग आपके यहाँ विजिट करें तो 50 बारा पड़ा रहे हैं फैक्ट्री, तो मतलब वही होता है ना कि फैक्ट्री का मतलब थोड़ी ना है कि आप ऑर्डर आपको आया 2 दिन रुक जाइए काट के आपको दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा इस पे तो हमने पहले भी बात, मेरे पास जो मशीन का स्टॉक है मेरे पास, आपको मशीन के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, बस एक मोटर के लिए, क्योंकि मोटर कभी भी हम नहीं मंगा के रखते हैं, वो आपका नाम होगा आपके नाम से ही मोटर मंगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है दर्शक जो है हमेशा ये पूछेंगे आपसे भी, वो कमेंट में आते हैं कि भाई प्राइस आप बताते नहीं है, इस पे बताइए क्या कहना चाहिए। सर प्राइस का क्या होता है कि लेकिन एक मोटा मोटी रेंज बता दीजिए कि क्रैंक वाले में और हाइड्रोलिक वाले में क्या है कि जो प्राइस हम क्या, वो तो सब पता होता है। अब तो मार्केट जो बिल्कुल क्लियर हो गया है, पहले क्या कि फोटो दिखा काम करना कि देखिए मशीन है एडवांस कीजिएगा तो मशीन दे देंगे, लेकिन अब तो सर मशीन लेके बैठे हुए हैं लोग 25 जगह घूम के प्राइस उनको सब पता होता है, और वो हम प्राइस क्या बता, वो प्राइस हमको आके बताते हैं कि हमको वहाँ इतना मिल रहा है यहाँ इतना मिला आप इतना यहाँ क्यों कर रहे हैं ठीक है। तो प्राइस कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जो बजट होगा हम उसमें दे देंगे, लेकिन हम उसका बात नहीं सुनेंगे, और जो अपने बजट में देंगे अपने हिसाब से देंगे, अगर प्रॉब्लम होगा हम सामान उठा के मंगा लेंगे, ट्रांसपोर्टिंग मेरा लगेगा, लेकिन अगर आपके बजट से होगा तो आप समझिएगा आप जानिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और चलिए दोस्तों नंबर पे बात करें, और बहुत ही नॉलेजेबल हैं विकास जी जो है, बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और स्पेशलाइज पेपर प्लेट के ऊपर बड़ी मेहनत भी करते हैं। इनके साथ मैं रॉ मटेरियल मेकिंग मशीन की भी वीडियो बनाया हूँ और पेपर प्लेट का तो खैर आते रहता है, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप रॉ मटेरियल के क्षेत्र में भी उतरे जी, क्योंकि इतने बड़े सोचा लेमिनेशन मशीन का सोचा, क्योंकि वो हो जाएगा जरूरत ही नहीं। देखिए होता क्या है, लेमिनेशन देने से हम भी तो फ्री हो जाएंगे ना, ये 25 बार हमको फोन करेंगे लगाने में, हमको बफर शीट दिवा दीजिए रॉ मटेरियल दिवा दीजिए, तो हम कहाँ तक अब चलेंगे, हम पार्ट्स में दिक्कत होगा हम है, लेकिन आप रॉ मटेरियल तो लगाइए, ये
एक जो मार्केट में जो मशीन चल रहा है 25 मशीन लगा होता है आपके नियर 10-15-20 किलोमीटर के नियर में 10-15 मिल ही जाएगा, तो सब तो नहीं लगा रहा है ना। अगर 10 मशीन पे एक आप एक टन अगर एक टन भी महीने का बेच लीजिएगा तो 5 से 7 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाएगा उसमें, खुद के रॉ मटेरियल में तो आपको फायदा होगा ही, प्लस अगल बगल भी सप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये एक स्टार्टअप की छोटी सी स्टोरी थी जो कवर करने आए थे हफ्जारगंज, और बाबुल जी अभी नए इस फील्ड में उतरे हैं, थोड़े पुराने हो जाए तो फिर इनके एक्सपीरियंसेस लेंगे। इनके बिजनेस सेटअप करने में 1.5-2 महीना लग गया, और अभी तो जैसा इन्होंने बोला कि अभी थोड़े से वीक हैं, लेकिन फिर ये मार्केट में लगे हुए हैं तो पकड़ ही लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी नई स्टोरी के साथ नई जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।